इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 1300 वाट सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के बारे में। यहाँ पे जो सोलर पैनल यूज किया गया है वो कनाडियन मोनो क्रिस्टलाइन 445 वाट पैनल यूज किया गया है यहाँ पे। और पैनल कुछ इस टाइप का होगा आपको देखने में। ये हाफ कट पैनल है। चलिए मैं आपको पीछे के साइड आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे वाट लिखा है 445 वाट, बीएमपी है 40.9 वोल्ट, और आईएमपी है 10.89 एम्पियर, वीओसी है 48.9 वोल्ट, इसका शॉर्ट सर्किट करंट है आईएससी 11.54 एम्पियर, मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज 1500 वोल्ट में लगेगा, और ये जो फ्यूज रेटिंग है 20 एम्पियर। यही है इसका डेटा। पीछे के साइड में आपको फुल डेटा मिल जाएगा इनका, जो आपको ज़रूरत हो सकता है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा इनका स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है घर पे। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे वेल्डिंग वालों ने स्ट्रक्चर बना रहा है। ये पाती और एंगल काट कर इसको वेल्डिंग कर रहा है, और यहाँ पे देख सकते ये वेल्डिंग वाला यहाँ पे अच्छा से वेल्डिंग कर रहा है। अभी जो देख पा रहे ये स्ट्रक्चर का लेग है, ये मैंने यहाँ पे वेल्डिंग करा के इसको फास्टनर बोल्ट से इसको छत पे टाइट कर दिया। बोल्ट एकदम अच्छा से टाइट कर दिया, और इसका एंगल जो लेग का जो ऊपर हिस्सा है इसको स्ट्रक्चर के साथ इस तरह वेल्डिंग कर दिया। इस टाइप वेल्डिंग करने से स्ट्रक्चर और लेग दोनों में अच्छा से पकड़ के रहेगा, जो कि इसका मजबूती अच्छा रहेगा, आराम से टिका रहेगा। इसलिए इस टाइप आपको वेल्डिंग करना होगा। स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद पैनल उठाना है। उठाने के बाद आपको पैनल को अच्छा से टाइट करना है स्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद पैनल का नीचे आके आपको यहाँ पे तीनों पैनल का पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाना है, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल पे लगाना है। उसमें क्योंकि पैरेलल में कनेक्शन होगा, इसलिए पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ लगाना है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ तीनों टर्मिनल लगाना है। उसके बाद इन्वर्टर पे आ जान। इन्वर्टर में जो पॉजिटिव वायर है वो पॉजिटिव पे लगाना है, और जो नेगेटिव वायर है वो आपको नेगेटिव पे लगाना है। अब देखिए यहाँ पे उस टाइप की कनेक्शन होगा, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव वायर और नेगेटिव के साथ नेगेटिव वायर लगेगा। जब दोनों वायर लग जाएगा उसके बाद आपको इन्वर्टर ऑन करना है। देखिए यहाँ पे सोलर चार्जर ऑन हो गया, मेन भी ऑन है, इको मोड ऑन, और सोलर चार्जर ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब सोलर चार्ज हो रही है। अभी यहाँ पे पावर सेवर मोड नहीं दिखा रहा है क्योंकि बैटरी फुल चार्ज नहीं है। इसलिए यहाँ पे पावर ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद देखिए सोलर चार्जिंग ब्लिंक कर रहा है। अभी मैं पावर ऑन कर देता हूँ, देखिए तब भी यहाँ पे सोलर चार्जर ब्लिंक करता रहेगा। देखिए पावर ऑन कर दिया, सोलर चार्जिंग ब्लिंक कर रहा है। UPS ऑफ होने के बाद आप देखिए सोलर चार्जर ऑन है, वो ब्लिंक कर रहा है। आप यहाँ पे कंटिन्यू सोलर चार्ज जब धूप रहेगा तो वो सोलर चार्ज होता रहेगा। अभी मेन भी आ चुका है, मेन ऑन हो गया, और मैं इन्वर्टर भी ऑन कर दिया। देखिए मेन ऑन है और सोलर चार्जर ब्लिंक कर रहा था उस टाइम। अच्छा धूप रहने से आपको ये बैटरी सोलर से ही चार्ज होगा, और आपका घर का लोड सोलर से चलेगा। जब धूप अच्छा नहीं होगा तो उस टाइम आपका लोड इलेक्ट्रिक पे चला जाएगा, इलेक्ट्रिक पे चलेगा और बैकअप आपका बैटरी से देगा। ये आपका यहाँ पे देख सकते हो फुल सेटअप लगा हुआ है। इस इन्वर्टर का मॉडल नंबर है NXG 1800, इनका मॉडल नंबर है, एल्यूमिनस कंपनी का इन्वर्टर है। और यहाँ पर जो बैटरी यूज किया गया है ये 150 mAh का दो बैटरी है, और
यहाँ पे लुमिनस का ही बैटरी यूज किया है, 150-150 का करके 300 एम्पेयर का इन्होंने बैटरी यूज किया है। और ये 24 वोल्ट का सिस्टम है, यहाँ पे 12-12 दोनों सीरीज करके लगा हुआ है दो बैटरी। यहाँ पे देखिए ये जो ट्रॉली है, इन्वर्टर ट्रॉली है, यहाँ पे ये लुमिनस कंपनी का ही लगा हुआ है, आप देख सकते हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनका लोड चला के इन्वर्टर पे, और पावर को मैं अप कर दूँगा से सोलर पे चला के दिखाऊँगा आपको। जो पावर है इसको मैंने ऑफ कर दिया। अब देखिए ये सोलर ब्लिंक कर रहा है, मेन ऑफ है, अब इंडिकेटर नहीं दिखा रहे, मेन इनका ऑफ है, तो ये अभी सोलर पे चल रहा है। अब देखिए ये जो जितना लोड है इनका घर का, ये टोटली सोलर पे चल रहा है। इस वीडियो के बारे में कोई सवाल है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड।